गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग डीएलएड 4 सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्यापूर्ण संबोधों एवं क्षमताओं का विकास, जिसमें हम अध्ययन करेंगे आज ध्वनि के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं ध्वनि क्या है। ध्वनि भाषा की लघुत्तम सार्थक एवं अनिवार्य इकाई है, यानी कि ध्वनि जो होती है भाषा की लघुत्तम सार्थक एवं अनिवार्य इकाई है। इसमें क्या है, समय अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। ध्वनि शब्दों की आधारशिला है, यानी कि ध्वनि जो है शब्दों की नींव है कही जाएगी, ठीक है, जिसके बिना शब्द की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन ध्वनियों को भाषा वैज्ञानिक शब्दावली में स्वनिम तथा अंग्रेजी में फोनिम कहा जाता है। जब ये ध्वनि सार्थक बन जाती है तो ये भाषा बन जाती है, यानी इस ध्वनि को लिखित रूप में अगर देखा जाए तो ध्वनि चिन्ह अथवा वर्ण कहते हैं, और वर्ण को क्या कहते हैं, हम अक्षर कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे ध्वनियों का वर्गीकरण। हमने इसे पहले पढ़ा था, ध्वनि के विषय में पढ़ा था, अक्षरों के वर्णों के विषय में पढ़ा था, जिसमें हिंदी वर्णमाला में कुछ कितने ध्वनियाँ होती हैं, 52 ध्वनियाँ होती हैं, जिसमें स्वर कितनी होते हैं हमारे, 11 होते हैं। व्यंजन का से पा वर्ग तक 25 होते हैं। इस अंतःसत व्यंजन कितने होते हैं, 4, जो कि य र ल व, और उसमें व्यंजन श स ष ह, ये भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं, अयोग व 2 होते हैं, अंग अनुस्वार जिसको बोलते हैं, आहा यानी विसर्ग जिसको बोलते हैं, और द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, ड और ह। यानी कि अगर देखें 11 25 4 हमारे उसमें व्यंजन, 4 हमें अंतःसत व्यंजन, और 4 हमारे संयुक्त व्यंजन, 2 हमारे आयोग व, और 2 अवगुण। कुल मिला के कितने हो गए हमारे, 52 ध्वनियाँ हमारी हो गई। तो इस तरह से हिंदी वर्णमाला में कितनी ध्वनियाँ होगी, कुल 52 ध्वनियाँ होती हैं। ध्वनियों को वर्गीकरण के आधार पर हम अगर देखें तो इसके 5 आधार माने जाते हैं, जो होते हैं स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान। इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।